सब्सक्राइब कीजिए बुटबुक जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ बेडरूम का डिज़ाइन। अगर आपको जैसे बेडरूम में छोटी वार्डरोब बनाएं किस तरीके से बनाना चाहिए, एक बेडरूम के अंदर वार्डरोब का डिज़ाइन किस तरीके से करना चाहिए, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे कि आपको बेडरूम में डिज़ाइन बनाना किस तरीके से, एक छोटा बेडरूम है तो उसमें वार्डरोब किस तरीके से रखना चाहिए, तो उसी तरीके से अपने एक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसमें मैं आपको पूरा डिज़ाइन दिखाऊँगा वार्डरोब किस तरीके से एक वार्डरोब बनाई जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिसमें कि नोट्स में आपको मिलता है। तो बेडरूम का जो डिज़ाइन है वार्डरोब का, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से रखना चाहिए। तो वीडियो में चलते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको जैसे एक वार्डरोब बनानी है किस तरीके से रखना चाहिए, जैसा साइज़ छोटा है तो इस तरीके से ले सकते हैं। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ और इसमें इस तरीके से बना सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि आपको एक सेल्फ रखना किस तरीके से, ये 8 फुट हाइट में है। तो जैसे कि अगर आपके पास इस तरीके से स्पेस है तो आप बना सकते हैं। हैंगर रोड के लिए 40 इंच जगह अपनी रखी जाती है और अपना इस तरीके से एक बॉक्स बना सकते हैं लोकर बॉक्स। इधर अपने दराज, इसकी गहराई ज़्यादा है, 3 फुट इसकी गहराई है, इसमें इस तरीके से चैनल दराज लगा सकते हैं। इसकी आप देख सकते हैं काफ़ी गहराई है, तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अगर आपको इसे बनाना है तो इसका साइज़ आप इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि ये जो फ्रंट मत्थे होते हैं दराज के, 6-7 इंची हाइट में यहाँ पर रखे जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये थोड़े से अंदर डोर जैसा डोर है, इसमें अड़ना चाहिए हैंडल। इस तरीके से आप इसको अंदर करके बना सकते हैं जैसे कि आपको बनाना। और ये अपने देख रहे हैं इसमें इस प्रकार ले सकते हैं जैसे कि आपको ये बनाना। और ये देख रहे हैं इसमें हमने टावर बोल्ट इस तरीके से लगा रखा है, इसमें हम ऐसे ही हमें चटकनी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये अपना लॉक हो गया। इसमें आपको जैसे ये डिज़ाइन बनाना, ये अपना 12 इंची इस तरीके से ले सकते हैं। अगर आपको जैसे ये जो ब्लैक कलर का लैमिनेट देख रहे हैं इसमें अपना, और ये टी पत्ती हमने 12 इंची जो 12 mm की होती है वो लगा रखी है। ये हैंडल अपने लगा सकते हैं अगर आपको जैसे जितनी बड़ी ज़रूरत है उस तरीके से, जैसे अपने डिज़ाइन के अंदर आ जाए इस तरीके से ले सकते हैं। लॉक आप नीचे लगा सकते हैं, अगर आपके पास जगह नहीं है तो ऊपर भी लगा सकते हैं। नीचे हमने सोच रख एक दराज बना रखी है, इस तरीके से अपना दराज एक बना सकते हैं। आप देख रहे हैं ये 8 इंची हाइट में जो बनानी है आपको, इस तरीके से बनानी है। नीचे से आप इस हिसाब से स्पेस रख सकते हैं, जो नीचे जो हमारा फर्श में अड़नी चाहिए, खोलते टाइम पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप एक ले सकते हैं। टक्कर पर आप देख रहे हैं लैमिनेट, ये जो हमने टेप लगा रखी है पीवीसी टेप होती है उसको लगा सकते हैं, जैसे सनमाइका उसी कलर का, कलर के सेम जो कलर होता है उस तरीके से मिल जाता है। ये मरीनो कंपनी का लैमिनेट है, अगर आप जैसे देख रहे हैं, अगर आपको जैसे लगाना है तो इस कंपनी में ये कलर मिल जाएगा आपको जो डिज़ाइन है। और मैं और भी आपको दिखा देता हूँ जैसे कि आपको बनाना, ये देख सकते हैं दूसरा वार्डरोब। अगर आपको जैसे वार्डरोब में डिज़ाइन लेना किस तरीके से लेना चाहिए, ये अपना देख रहे हैं इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मार्बल वाली लुक वाली, जो अपना ब्लैक कलर ग्रेनाइट होता है उस तरीके से, ये हमने सनमाइका लगा रखा, ये भी सनमाइका मरीनो कंपनी का, इसमें इस तरीके से ले सकते हैं। ये अपना 4 इंची जैसे हम साइज ये छोड़ते हैं तो इसमें 4 इंची, फिर उसके बाद 4 इंची, और ये 12 इंची, इसमें फिर उसके बाद 4 इंची 4 इंची, इस तरीके से अपना पूरा डिज़ाइन दे सकते हैं फ्री डोर्स में। इसमें जैसे कि हम यहाँ पर लॉक लगाते हैं वो काफ़ी नीचे हो जाता और उसमें सपोर्ट नहीं बन पाती, इस तरीके से हमने यहाँ ऊपर लॉक लगा रखा। और इसमें भी इस तरीके से हमने टावर बोल्ट लगा रखे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको लगाना आप इस प्रकार लगा सकते हैं बंद अपना। आपको टावर बोल्ट हाथ से बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप लॉक लगाओगे वैसे ही बंद हो जाता है। इसमें ऐसे लगा सकते हैं आप ये वाले आप, और इसमें हैंगर रोड आपको लगानी है। यहाँ पे अभी एक सेल्फ लगेगा, आप देख रहे हैं इस तरीके से सेल्फ लगा सकते हैं। और उसमें जैसे कि अभी थोड़ा काम बाकी है, इसमें ये दराज है, इधर आपने दराज ले सकते हैं। और हमने थोड़ा साइड में जगह छोड़ कर जो डोर में अड़े नहीं, इस तरीके से बना सकते हैं दराज, इस तरीके से ले सकते हैं अपना जैसे बनाना। ये भी अपना 6 इंची हाइट मत्थे की दे रखी है, और इधर अपना ये खाना इस तरीके से सामान रखने के हिसाब से अपना यूज़ हो जाता। और नीचे हमने इसमें पाए लगा रखे हैं स्टार्टिंग में, जो अपना देख रहे हैं नीचे भी पाए लगा रखे हैं, ये आप इस तरीके से लगा सकते हैं जैसे कि आपको बनाना। और इधर हमने ये खाने इस तरीके से दे रखे हैं, इसमें डिवाइड करके जैसे कि आपका सामान जिस हिसाब से लगाना है आपको किस तरीके से लगाना चाहिए, ये देख रहे हैं इधर इधर से दिखा दो एक बार, ये आप इस प्रकार बना सकते हैं। और ये देख रहे हैं इसकी जो हाइट की हम बात करें 8 फुट हाइट है वार्डरोब की, और हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 5 फुट इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस है, ये पिलर था, पिलर को थोड़ा सा वैसे करके बनाया, ये थोड़ा सा बाहर है ये अंदर है, इस तरीके से इसे देखते हैं दोस्तों। अगर आपको जैसे बनाना किस तरीके से बनाना चाहिए, एक क्रोकरी यूनिट का डिज़ाइन आप इस प्रकार ले सकते हैं। जैसे ड्रॉर बनानी है आपने तो साइज़ में आप देख सकते हैं अंदर से लैमिनेट है, वाइट कलर का लैमिनेट लगा सकते हैं जो हमारा ऑफ वाइट होता है। इसी प्रकार आप ले सकते हैं जैसे कि 7 इंची हाइट में जो मत्थे का फ्रंट रखा है तो 7 इंची इस प्रकार बना सकते हैं। ये अपना देख रहे हैं जैसे कि इधर भी अपना, तो ये डबल मत्था करके बनाया जाता है, जैसे कि आपको बनाना है डबल मत्था करके बना सकते हैं। ये ड्रॉर अलग हो जाता है, इसका जो फ्रंट है फ्रंट आप बाद में लगा सकते हैं। इसी प्रकार आपको बनाना है जैसे कि बनाते हो, इधर भी वैसे ही डिज़ाइन है इसमें,
और ये हमने जो बनाया ये ऊपर का बेस इसमें बाहर करके बनाया, जैसे कि आपका ये ड्रॉर है ऊपर सामान है कुछ भी तो उसके अंदर नहीं गिरेगा, जैसे गिरेगा भी तो वो उसके बाहर की साइड ही जाएगा आपका। इस प्रकार ले सकते हैं, जैसे कि आपने बनाना है इस हिसाब से अपने नीचे का बॉक्स लेना आपको, जैसे इसमें सेल्फ लगाना है सेल्फ जैसे ले सकते हैं, अपना फोल्डिंग सेल्फ जैसे बड़ा सामान रखना बड़े सामान के हिसाब से आप बना सकते हैं। इधर भी वैसे ही डिज़ाइन है, जैसे कि उधर है हमारा लेफ्ट हैंड तो अपना बीच में भी वैसे ही और राइट हैंड पर भी वैसे ही डिज़ाइन है। इसकी जैसे हाइट है, ये हमारी जो नीचे से बेस बनाया जाता इसकी हाइट आप रख सकते हैं 30 इंची, 30 इंची होता है और नीचे अपना देख रहे हैं हमने स्टार्टिंग लगा रखी है। ये अपनी स्टार्टिंग लगानी है आपको, नीचे से बफर लगा सकते हैं जैसे कि